हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया एक और नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट का। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला कि कैसे आप लोग लाइव स्ट्रीम का सर्वर बना सकते हैं फुल स्टेप के साथ, पूरा सेटअप के साथ आप लोग को दिखाऊंगा। और चलते, तो ज़्यादा देर ना वेट करते हुए वीडियो को करते शुरू। तो चलते हैं सर्वर के अंदर। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ सर्वर के अंदर, जहाँ पे फ्री सर्वर में बना रहा हूँ फ्री सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे 6 GB का रैम है, आप लोग 4 GB में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 GB 3 GB में भी बना सकते हो, या एटरनोस में भी बना सकते हो। तो आप लोग को फाइल में जाके प्लगिंग में जाना है, प्लगिंग में अपलोड कर देना है। जो जो प्लगिंग का मैं सारा फोल्डर में जिप में बना के डिस्कॉर्ड के अंदर दे दूंगा, तो इस डायरेक्ट आप लोग वहीं से डाउनलोड कर सकते हो सारा प्लगिंग। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा प्लगिंग। आप लोग कम से कम चाहिए होगा 20 या 23 24 प्लगिंग आपको चाहिए होगा, अगर आपको एकदम अच्छा सा बनाना है तो। तो यहीं तक हम लोग का प्लगिंग है, ज़्यादा हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ से कर देते। अगर एक्स्ट्रा कोई ज्वाइन करना हो तो उसका भी मैं साथ में ऐड करके दे दूंगा। अभी मैंने 22 को डाला, बाद में आगे जा के अगर कुछ इशू होगा तो मुझे ऐड करना होगा दूसरे प्लगिंग को भी। और इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत कुछ करना है, इसलिए टाइम लगेगा। और यहाँ पे मेरा सारा प्लगिंग अपलोड हो गया। अपलोड हो जाने का तो एक बार सर्वर को कर देना है रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट करके मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का रिस्टार्ट हो गया। तो चलते हैं इधर प्लगइन चेक कर लेते, कौन कौन सा वर्क कर रहा है कौन कौन सा नहीं। तो PL लिख के चेक कर लेते। तो हम लोग यहाँ सिर्फ एक्शन हाउस काम नहीं करा, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो बाकी का हम लोग सारा काम कर लेते हैं। तो चलते हैं आप गेम के अंदर, नहीं गेम के अंदर नहीं, सेटअप कुछ करना है तो सेटअप पहले कर लेते हैं। तो प्लगइन का फाइल में जाना, प्लगइन के फाइल में जाने के बाद आप लोग इधर जाना है गीजर पे, वर्ल्ड एडिट पे जाना है। वर्ल्ड एडिट पे आप लोग को स्कीमेटिक मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोग को जो भी लॉबी ऐड करना है उस स्कीमेटिक पे अपलोड करिए तो बढ़िया ही होगा। तो मैं एक अपलोड कर देता हूँ, मैंने एक डाउनलोड किया था तो उसी को मैं डालूंगा। तो इसका नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में मुझे काम आएगा। इतना करने के बाद फिर हम लोग को वापस जाना है सर्वर को, एक बार फिर से रिस्टार्ट कर सकते आप लोग। तो एक बार हम लोग फिर से रिस्टार्ट मार देते, रिस्टार्ट मार के आप लोग को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग का सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो गया। तो चल तो वापस फाइल में, फाइल में जाना, प्लगिंग में जाना वापस। प्लगिंग में जाकर गीजर स्प्लिट को आप लोग को पता है कि सेटअप करना होता है, गीजर स्प्लिट और सर्वर फुटेज हो गया को सेटअप करना होता है। तो सबसे पहले उसको सेटअप कर लेते हैं, जैसे हम लोग ज्वाइन होकर हम लोग सेटअप कर सके अंदर जाकर। तो उसके लिए आप लोगों को जैसे पता है तो गीजर पे ऑनलाइन मोड को ऑफ कर देना है सर्वर प्रॉपर्टी में। उसको ऑफ करने के बाद आप लोग को फिर जाना है इधर बैक, बैक जाने के बाद आप लोग को इधर जाना है स्पे गीजर स्प्लिट पे। गीजर स्प्लिट पे जाके आप लोग को फिर YTML पे जाना है। कॉन्फिग YTML में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे पहले मिलेगा पोर्ट, तो पोर्ट आप लोगों जो सर्वर का पोर्ट है वो पोर्ट को आप लोगों को इसमें डाल देना है, मेरा 40106 है तो इसको मैं डाल दिया। और नीचे आप लोग जाना, और नीचे जाना, और नीचे जाना, और आप लोग को यहाँ पे एक दिखेगा एड्रेस, और जो आपका एड्रेस दिया हुआ है सर्वर का वो एड्रेस आप लोग को इसमें डाल देना है इस ऑटो को काट के, और पोर्ट भी ऐड होगा तो पोर्ट को काट दीजिएगा। और एक और पोर्ट आप लोग दीजिएगा उसको 6 के जगह सिर्फ 7 कर दीजिएगा, बाकी रहने दीजिएगा। और नीचे ऑथराइज टाइप दिखेगा तो फ्लू गेट लिख दीजिएगा इसमें। और मैं जिस सर्वर का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इस सर्वर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अप टू आप लोग को 6 GB तक आप लोग को फ्री सर्वर मिल सकता है।
तो यहाँ पर आप लोग का ये सब सेटअप हो जाएगा। तो इधर आप लोग को जाना है लोएस्ट सिक्योरिटी में, लोएस्ट सिक्योरिटी का YTML में आप लोग घुस जाना, और आप लोग को जाने को इधर थोड़ा स्क्रोल डाउन करना है। आप लोग को एक दिखेगा फिल्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो इसको कर देना फॉल्स, फॉल्स कर देगा, और आप लोग को इसको वापस सेव करके नेक्स्ट करना है। तो वापस फाइल में जाना कंसोल में, कंसोल को रिस्टार्ट कर देना है फिर से, कंसोल को रिस्टार्ट मार देना। आप लोग को गेम में जाना है, अभी आप गेम में जा सकते हैं या फिर बाद में जा सकते हैं सारा सेटअप करने के बाद। तो मैं पहले गेम में जाके लॉबी को पेस्ट कर देता हूँ, फिर बाकी का सेटअप करूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं स्टार्ट हो जाने देता हूँ। तो इधर हो गया लॉगिन, तो इधर सर्वर पे जाता हूँ, सर्वर में मेरा पहले से सेव है। तो ये खोजना होगा कहाँ पे सर्वर, तो ऑनलाइन होगा ऑलरेडी। तो ये लग रहा है मुझे गेमिंग बॉय यही शायद होगा, हाँ यही सर्वर है। तो इसको करता है प्लेस के अंदर, क्लिक नहीं करना था वापस। इसको करना ज्वाइन, तो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड हो गया ज्वाइन। ज्वाइन हो जाने का तो इधर आप लोग को आएगा नाम ये सब सेटअप। अभी आप मेरा सेटअप नहीं है तो ऐसे मेल आते रहेगा जब तक तो सेटअप नहीं करेगा आप लोग पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रजिस्टर पहले कर लेना आप लोग को, क्योंकि लॉगिन सिक्योरिटी में आप लोग को रजिस्टर मांगेगा। लॉगिन सिक्योरिटी में लॉगिन कर लेता मैं कोई भी पासवर्ड डाल के, वही पासवर्ड से आप लोग को फिर लॉगिन रजिस्टर स्क्रीन लॉगिन मांगेगा नेक्स्ट टाइम ज्वाइन हो गया। तो अभी तो मैं हो गया, तो अब यहाँ पे हम लोग को तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन हो गए। तो अब चलते एक बढ़िया सा जगह पे जहाँ पे हम लोग ऊपर में ना सके लॉबी। तो उसके लिए हम लोग करते हैं इधर पहले टीपी कर लेते हैं 00 पे। पहले हम लोग अपने आप को ऑपरेटर देना होगा तभी हम लोग टीपी पी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके ऑपरेटिव मोड में हम लोग सेट कर लेते अपने आप को। ऑपरेटिव अगर लोग को नहीं पता है तो कैसे होता है तो देख लीजिए। तो कंसोल में जाना है और ओपी डॉट क्रेजी किल, मतलब आप लोग का जो यू आई डी रहेगा वो यू आई डी आप लोग को डाल देना है। अगर पॉकेट एडिशन है तो डॉट डालना होगा पहले, अगर जावा एडिशन है तो आप लोग का जो यू आई डी है वही डालना है। यूजर नेम यानी कि, तो यहाँ पे मैं ऑपरेटिव मिल गया मुझे सर्वर का। तो अब चलते हैं गेम मोड कर लेते, टीपी कर लेते। पहले गेम मोड क्रिएटिव में जाके उसका टीपी करते हैं। फ्लाइट मोड भी हम लोग का एक्टिवेट हो गया, तो गेम मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग उड़ के जाते जाते बहुत टाइम लगेगा, लोग बहुत दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग टीपी कर लेते। टीपी 0 तो जहाँ पे है वो इंटर रहने देते। तो हम लोग यहाँ पे टिकी हो गया है और यहाँ पे हम लोग लगते हैं पानी के अंदर थे, तो ऊपर आ गए हम लोग। तो और थोड़ा ऊपर हम लोग जाना है, और ऊपर जाना जब तक आप लोग का नीचे वाला कुछ दिखना बंद ना हो जाए तब तक आप लोग ऊपर जाना है। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस इतनी दूर हम लोग को जाना है। यहाँ से दिखना बंद हो गया तो यहीं पे हम लोग बनाते, थोड़ा नीचे से जाते, ज्यादा नीचे आ गया तो थोड़ा और ऊपर जाता, ऊपर नीचे तो आ जाएंगे। तो ठीक है लगता,
और ये नाम से बात के मूड खराब कर रहे हो। कुछ नहीं, पहले ये करने में माथा खराब होगा। तो आप लोग को कमांड जाना है, तो वहां पे आप लोग लिखना है स्लैश सेनोमेटिक लिस्ट, प्ले लिख लेना। जो लिस्ट आप लोग ने डाला तो दिख जाएगा। तो मेरा ये है, तो सेनोमेटिक वापस लिखना आप लोग को। सिनेमैटिक लोड जो आप लोग का जो नाम है वो सिनेमैटिक का, उसको पेस्ट कर देना। तो मैंने उस टाइम कॉपी करके रखा था, तो उसी को भी डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। या फिर आप लोग लिख के भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने पेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो उतना मैं करूँ नहीं। तो ये रहा मेरा, तो इसको अब इंटर कर देता हूँ। इंटर कर देना तो आपको इधर थोड़ा सा टाइम लेगा, प्लीज वेट लोडिंग करके थोड़ा देर वेट लेगा। उसके बाद वापस एक आएगा डबल स्लैश करके पेस्ट करने का ऑप्शन, तो उसको आपको करना है। तो इधर आ गया डबल स्लैश, पेस्ट कर देते PHT, पेस्ट हो गया। तो कई बार आप लोग का सर्वर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, या फिर अगर आप लोग का लोड नहीं रहा ले रहा है तो पीछे जाके आ जाइएगा तो लोड ले लेगा। तो मेरा इस टाइम ये हो गया था, एग्जिट हो गया था पूरा सर्वर, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा वापस। वे आप लोग को दिखने लगा लेकिन हो रहा है, हम एग्जिट हो जाएगी तुरंत देर में। मुझे लोड नहीं हुआ तो आगे गया मैं। लगा एग्जिट होगा अब मेरा, ये लैग कर रहा है। तो ये मेरा एग्जिट हो गया था पूरा। तो मैंने पूरा ये करके आया, रिस्टार्ट करके आना पड़ा मुझे। तो रिस्टार्ट करके आ गया, तो इधर देख सकते हैं मुझे इस टी लॉन्चर के थ्रू आना पड़ा, लॉन्चर के थ्रू, क्योंकि मुझे कमांड नहीं दिख रहे थे प्रोग्रेशन में। पता नहीं क्या हो गया था, ग्लिच, कमांड सारे नहीं दिख रहे थे, तो इसके थ्रू मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे आप लोग को पहले ये ले लेना एक्स को, ले लेना। तो एक्स का आप लोग को पता होगा जो जो इस्तेमाल करते हैं, अगर वेंड लिखिए तो आप लोग को ये मिल जाएगा स्लैश वेंड करके। तो ये लेके आप लोग को इधर कर देना, जो देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वर्ल्ड। तो यहाँ आप लोग को स्लैश एक को सेट कर लेना पहले ब्लॉक, और वहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करना, और उसके अपोजिट साइड जाके आप लोग को एक और क्लिक करना है। वो अगर आप लोग पहले क्लिक कर चुके तो यहाँ पे आप लोग को फिर करना है स्लैश तो उस चीज में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये जो आ रहा था बार मैसेज, तो उसको मैं कट कर लेता सर। तो यहाँ पे जैसे सर मैं फॉलो करा वैसे आप लोग को फॉलो करना है। तो आप लोग को यहाँ पे फिर जाना है टैब के अंदर, टैब के अंदर अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में जाके आप लोग को एक फॉल्स करना है पहले, क्यों करना है टैब में, टैब का कॉन्फ़िगर YTML में जाना है। और जब आप लोग को दिख रहा होगा कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर का, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा सर्वर का जो लिस्ट करके आप लोग को दिख रहा है लाइन करके, वो लाइन को पूरा काट देना। जो आप लोग को जैसे आप लोग को सेटअप करना है वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं अपना एक सेटअप है मेरे पास, तो उसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, तो इसी को सेम नीचे वाला में भी हम लोग को पेस्ट करना, तो उसको भी पेस्ट कर देता। अब हमें फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरा। और यहाँ ऊपर में टाइटल आप लोग को जो सर्वर का टाइटल रखना है वो टाइटल आप लोग रख सकते हैं, और ऊपर में भी आप लोग टाइटल मिल जाए तो उसको भी काट के आप लोग जो टाइटल अपना रखना है तो रख दीजिएगा।
ये सब करने के बाद आप लोग को सेव कर देना। सेव करने के बाद ऊपर में आप लोग को स्कोप बोर्ड दिख रहा होगा, उसको फॉल्स होगा तो उसको टू कर दीजिएगा। टू करने के बाद आप लोग इधर जाना सुपर लॉबी में। सुपर लॉबी में आप लोग को अनाउंसमेंट में जाना है। अनाउंसमेंट में सबसे पहले फॉल्स कर देना मैसेज नंबर फॉल्स, तो आप लोग को एक और आप लोग को इधर जाना, इसको भी आपको फॉल्स करना, टाइटल्स करके आएगा तो इधर नेटवर्क करेगा, इसको भी फॉल्स कर दीजिएगा। एक्शन बार को, एक्शन बार का जो बॉस बार आपने ट्रू रखा है उसको आप लोगों को सेटअप कर लीजिएगा। जो आप लोगों का नाम रखना है लाइफ स्टाइल रूपाई में, सब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल में स्पेलिंग कर लिख दिया था इसलिए मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए पेस्ट करते गया था मैंने। इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर वापस बैक जाना। बैक जाने के बाद सेव करके बैक जाने के बाद वापस आप लोग को इधर जाना सुपर लॉबी में। सुपर लॉबी का बाहर आईटीएमएल दिखेगा, उसको फॉल्स कर दीजिएगा सेटिंग इनेबल में। उसको फॉल्स कर देना तो आप लोग को इधर बैक जाना। फिर हाँ, सुपर लॉबी में आप फिर आईटीएमएल पे जाना है और यहाँ पे आप लोग को पहले दिखा ज्वाइन क्लियर इनवाइटेड, उसको फॉल्स कर देना है। और आप लोग को एक और दिखेगा मेन्यू, उसको भी कर देते हैं फॉल्स। और आप लोग को इधर नीचे जाना है, और नीचे जाना है आप लोग को यहाँ पे एक दिखेगा ज्वाइन बॉस बार, इसको भी आप लोग कर देना है फॉल्स। इतना कर देना आप लोग को जाना है। फिर नीचे नीचे ज्वाइन टैब बार, इसको भी कर देना है फॉल्स। और ज्वाइन एक्शन बार भी इसको कर देना है फॉल्स। और नीचे कमांड ब्लॉक लिस्ट, इसको कर देना है फॉल्स। इतना करते हुए आप लोग को पूरा सेव कर देना। सेव करने के बाद आप लोग को ऊपर जाना। ऊपर जाने के बाद इधर आप लोग को थोड़ा और ऊपर जाना है तो यहाँ आप लोग को एक दिख रहा होगा ज्वाइन टाइटल, ये हम लोग का ट्रू है तो इसको आप लोग को सेटअप करना। नाम को एडिटिविट जो करना आप लोग को, जिसका सब टाइटल और टाइटल सब लोग को दिख रहा होगा। और नीचे आप लोग को लिंक भी, आप लोग जो लिंक डालना है फेसबुक सब लिंक डालना है तो डाल दीजिएगा। मैं भी आप लोग का कुछ भी डाल दे रहा हूँ, जो अभी मैं तो कुछ नहीं डालूंगा, इसको बाद में सेटअप कर दूंगा। तो मैं इससे इधर अपना वेलकम टाइटल सब सेटअप कर लेता हूँ। ये सब सेटअप करने के बाद आप लोग को फिर आप लोग को इधर जाना नीचे, ये सेव कर देना। सेव कर देना आप लोग को वह सर्वर को रीस्टार्ट कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। और मैं ये सब सारा भी काट देता हूँ, बाय रैंक सब जितना भी मेरा फेसबुक सब दिख रहा है सब काट देता हूँ मैं, सबको बाद में मैं सेटअप कर दूंगा। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को इधर और कुछ अभी तो नहीं करना, तो चलते गेम के अंदर। तो यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ पॉकेट एडिशन के थ्रू करने का, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाएगा तो वही मुझे पूजा लॉन्जर के थ्रू जाना होगा। यहाँ पे लॉगिन कर लेता, गेमिंग बॉय इंटर। यहाँ पे मेरा लॉगिंग हो गया, करना है टीपी करना होगा मुझे। स्लैश गेम मोड पहले चेंज कर लेते हैं, स्लैश गेम मोड क्रिएटिव तो यहाँ पे गेम मोड क्रिएटिव कर लिया। अब टीपी कर लेते हैं 00 में। जीरो इंटर, तो हमें ऊपर जाना होगा। तो और हम लोग का लॉबी, आप लोग अपना हिसाब से लॉबी बना सकते हैं, इससे छोटा पे आप लोग जैसे आप लोग सिनेमैटिक मिलेगा वैसे सिनेमैटिक के थ्रू बना सकते हैं, या फिर आप लोग को
मल्टी वर्ल्ड के थ्रू भी आप लोग को लॉबी बना सकते हैं, लेकिन मतलब मल्टी वर्ल्ड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप लोग का प्रॉब्लम होगा इसमें, क्या बोलते हैं, नेदर में जाने में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। आप लोग नेदर तो चले जाओगे, फिर आप लोग वापस आओगे तो आप लोग रिस्पॉन जहाँ होते हैं यहाँ पे आप लोग आ जाओगे, इसलिए वही प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं सिनेमेटिक के थ्रू बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और मुझे काम आ जाता है कि इसमें कमांड नहीं आ रहा मेरा, तो मुझे पूजा लॉन्चर के थ्रू जाना पड़ा। फिर कमांड मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि मैं एक्सेप्ट करूँ, इसलिए मुझे पूजा लॉन्चर के थ्रू जाना पड़ा। लास्ट में थोड़ा लैग करता है पूजा लॉन्चर, लेकिन काम सही करता है। तो यहीं पे मैं सब कुछ सेटअप कर लेता, पहले हम लोग को यहाँ पे करना है लॉगिंग, तो लॉगिंग कर लेते हैं। Crazy Killer White Tea। नो, गलत, इनवैलिड। ओ याद है, गलती से मैंने दूसरा पासवर्ड डाल दिया। मेरा पासवर्ड है इसमें स्लैश, और टाइम हो गया, वापस ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पे वापस लिखते हैं स्लैश लॉगिन। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया, और यहाँ पे आप लोग को लेफ्ट क्लिक एक बार करना है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को मैंने जैसे पहले बता दिया था कि यहाँ पे मैं करने वाला था, यहाँ पे प्रोसेसर ये सब करने वाला था, तो उसका तो मैंने पहले बोल दिया था अगर आपको ये एक्स चाहिए तो उसके लिए वुड लिखना, वेन वेन लिखना होगा, WND वेन करके आ जाएगा कमांड, आप लोग आ जाएगा। आने का इधर आप लोग को एक फर्स्ट वहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये करने के बाद आप लोग को करना है एक्स को पकड़ने के बाद ही आप लोग को करना है। तो ये हो गया सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। अब स्लैश आरजी क्रिएट, आरजी क्रिएट हम लोग को लिखना होगा, आरजी लॉबी डायरेक्ट लिखना होगा, नहीं पहले क्रिएट ही लिखना हम लोग को, सॉरी CREAT क्रिएट लॉबी LOBBY लॉबी इंटर। तो ये हम लोग का क्रिएट हो गया, और इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ कमांड डालना, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो हमें एक और रीजन अप क्रिएट करना है, उसका भी प्लगिंग सब कुछ सेटअप के लिए प्लगिंग मेरा डाउनलोड करना होगा, क्या क्या प्लगिंग डालना है उसको मैं लिख के भी चाहे दे दूंगा, या फिर आप लोग को पूरा फाइल एक गो में डाउनलोड का लिंक दे दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर। तो ये सब हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे कर लेते अपना रिस्पॉन पॉइंट सेटअप कर लेते, और एक रीजन पहले सेटअप करने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक वुडन लेना होगा वापस, और रीजन वापस क्लिक करना है हम लोग को। दो आप लोग को एक बनाना है, एक आरजी के थ्रू और एक इसके थ्रू बनाना है, जैसे आप लोग कोई ब्लॉक ब्लॉक तोड़ ना पाए। तो रीजन क्रिएट लिख के लॉबी वन में इसको इंटर कर देता हूँ। तो यह हम लोग का हो गया रीजन क्रिएट, रीजन
का मेन्यू में निकाल लेता हूँ, रीजन मेन्यू वापस लेता हूँ, रीजन मेन्यू एंटर। तो यहाँ पे आप लोग कुछ सेटअप करना होगा, तो यहाँ पे जैसे एडिट ब्लॉग ब्लॉग आप लोग को इधर जाना है, इसमें जाना है और इसके अंदर जाना है और यहाँ पे लॉबी रीजन स्टेटस, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये सब कुछ सेटअप है, इधर भी ठीक है। बैक जाना है मेन्यू, यहाँ पे ब्लॉक आप लोग को ये दिख रहा होगा एक ब्लॉक ड्रॉप का, उसको आप लोग को डिसेबल कर देना है एक बार क्लिक करके। तो ये भी हो गया कंफर्म। और आप लोग को ये सब कुछ सेटअप करना है जो मैं इंटर कर रहा हूँ, जितना कमांड सारा आप लोग को कमांड डालना स्लैश लॉबी फ्लैग क्या हुआ, ही कमांड नहीं वर्क किया, कोई नहीं आगे का कर दो। मॉप डैमेज ये लास्ट कमांड मेरा वर्क नहीं किया, कमांड ये क्या बोलते हैं मॉब स्पॉन ना हो, इसलिए पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार फिर मैं डाल कर देखता हूँ, आरजी लॉबी मॉब ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। आप लोग बता सकते हैं क्यों नहीं काम कर रहा, डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा हम लोग को, कमेंट में या चैनल में आके आप लोग बता सकते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग पहले सेट कर लेते अपना लॉबी वॉबी को, सेट होम पहले लिख देते हैं, उसके बाद वापस लिखते हैं स्लैश रिस्पॉन्ड वर्ल्ड को भी सेट कर लेते हैं, स्लैश व्हाट लॉबी इसको भी सेट कर लेते हैं, एसएल करके आप लोग को स्पॉन पॉइंट सेट कर लेना है, सुपर लॉबी का कमांड है एसएल सेट स्पॉन पॉइंट स्पॉन, और जो आपको रखना है लॉबी ये रख देता मैं नाम इसका। तो ये भी हो गया, तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को इधर चेक कर लेना है स्लैश लॉबी, ये तो काम नहीं कर, पता नहीं कौन सा कमांड है। ये देखिए अभी भी स्पॉन होता है ग्रीफर हम लोग का, स्लैश लॉबी ये काम नहीं कर रहा, स्लैश होम तो ये काम कर रहा है, और स्लैश वॉक लॉबी हम लोग तो लॉबी में ही है, आगे से जाते हैं वर्क लॉबी इंटर, तो ये भी काम कर रहा है। तो सुपर लॉबी का सिर्फ चेक करवा के रह गया, तो उसको बाद में हम लोग चेकअप कर लेंगे। तो इधर हम लोग एनपीसी क्रिएट कर लेते हैं, चाहे एनपीसी क्रिएट वन पहला क्रिएट कर, तो वन लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लेयर लिख देते हैं, आप लोग कोई भी मॉब का भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेयर एक ही रहेगा मेरा। तो प्लेयर और जो आप लोग का नाम या फिर कलर रखना है तो कलर आप लोग सेटअप कर लीजिएगा, यहाँ पे आरटीपी लिख देता है, रैंडम टेलीपोर्ट, यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते जेड एन पी सी नंबर टू प्लेयर, ये मेरा रहेगा, ये हम रख देते हैं होम, होम कमांड डालने का। तो ये भी हो गया, जेड एन पी सी क्रिएट थ्री प्लेयर, ये मेरा रहेगा स्पॉन पॉइंट रख देते, मतलब नीचे में भी आप लोग को स्पॉन पॉइंट सेट करना होगा, मतलब एक जगह पे जाने के लिए कि रैंडम टेलीपोर्ट हम लोग गेम पे भी रैंडम टेलीपोर्ट करेगा, एक जगह पे जाने के लिए आप लोग को सेटअप करना होगा ना, तो उसको भी मैं करूँगा। Hmm.
यहाँ पे फोर्थ एक क्रिएट कर देते हैं सर्वाइवल के लिए, तो ये तो मैं अभी नहीं करूँगा, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा सर्वाइवल वाला सेटअप। और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, तो मैं आगे का काम भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो अभी मैं पहले NPC क्रिएट करके इनका एगो में कमांड पेस्ट करके सेटअप करके चेक कर लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। तो इतना तो हो गया, अब ZNPC एड कमांड वन कमांड RPT, तो ये लिख देना आप लोग को जो भी कमांड देना है, कमांड के बाद कमांड लिख देना है। तो जैसे मैं RTP में डाला था वन नंबर पे, तो इसको मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग का टेलीपोर्ट कर रहा है, चंक लोड ले रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को टेलीपोर्ट कर दिया। हम लोग को सही जगह पे स्पॉन करेगा, पानी वानी में नहीं स्पॉन करेगा, चेक करके हम लोग को स्पॉन करता। तो यहाँ पे चंक लोड लेने में थोड़ा टाइम ले रहा, तो चंक लोड ले लिया। तो देख सकते हम लोग को सही जगह पे स्पॉन किया, मॉब नहीं है आसपास, यहाँ पे नीचे में लावा भी है। स्लैश होम लिख के वापस होम जाता है, तो ये होम आ गया। और इधर बाकी का भी सेटअप कर देंगे, ये सब का भी सेटअप करना है तो सेटअप कर देंगे। फिर आप लोग को बचाया इधर स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड में आप लोग को ये नाम सबसे से दिख नहीं रहा होगा, तो उसको सेटअप करने के लिए लिखना है स्लैश पापी डाउनलोड सर्वर, आप लोग को लिख देना ई क्लाउड सर्वर, तो ये लिख दूंगा पापी रिलोड आप लोग को लिखना है। फिर से आप लोग को वही लिखना है, और इसमें थोड़ा काट छाट करना है, शुरू में स्लैश डालना भूल गए, स्लैश पापी सर्वर को काट के आप लोग को लिख देना है इसमें प्लेयर लिख देना है, और फिर से रिलोड करना है पापी रिलोड। इतना हो जाने वापस आप लोग को वही कमांड डालना स्लैश, वही उस सर्वर को वापस काट के लोग यहाँ पे इकोनॉमिक इकोनॉमिक लिख देते हैं, वर्ल्ड प्ले लिखता है, जिससे हम लोग को मनी सब दिख, वापस पापी रिलोड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मनी हम लोग का जीरो दिखना स्टार्ट हो गया। स्लैश पापी सर्वर वापस काटना है, और यहाँ पे आप लोग को लिख देना है SSL इंटर, वापस पापी रिलोड आप लोगों को करना है। और आप लोग का एक लास्ट कमांड बचा है स्लैश, गलती से इंटर हो गया, स्लैश रिलोड डाउनलोड। हम लोग का क्या बचा है लास्ट, स्टेटस, यस स्टेटस बचा हुआ है, स्टेटस डालने का इसको भी कर देता है इंटर, तो इसको अब कर देते हैं पापी रिलोड। तो हो जाने को देख सकते हैं हम लोग का सारा चीज सही से दिख रहा। तो अभी के लिए ये लोग तो बार बार स्पॉन होके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और देखते रहिए हम लोग का ऐसे ऐसे वीडियो, मतलब हम लोग का आधा काम कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा सेटअप कर देंगे। तो तब तक से बाय बाय।